फैमिली मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं अपना पैसा नहीं डूबने दूंगा, मैं कसम खाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए, शुक्रिया। आए वीडियो शुरू कर दे। हेलो फैमिली, क्या हाल चाल है? आपका स्वागत है रिमोरा प्रेजेंट्स री ब्लॉग्स में। फैमिली, आपने हमारे पिछले सीक्रेट रूम को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। मैं कहता हूँ पागलपंती हो गई यार, और आप लोगों ने वेट भी काफी की है। काफी वेट किया है, और आपने कहा था उसका पार्ट टू लेकर आओ। सो गाइज, मैं आपको याद करवा दूं कि पार्ट वन में पापा हमें ढूंढ नहीं पाए थे। मुद्दा ये है कि आपको पता है कि अब आ गया है मार्केट में iPhone 14। यस, मुझे लगा जिस हिसाब से वो बना रहे हैं ना, अगले जो 15-16 आएगा ना, उसमें कैमरा बंदों को भी खींच लिया करेगा। इतनी क्वालिटी। अगर हम तीनों जीते तो गाइस, हम तीनों को iPhone 14 मिलेगा। क्या खुशी है। जी हाँ, मैं कुछ भी हो सकता है। दुबई वाला चलता है, ये ज्यादा हो गया। ये ज्यादा ही हो गया। सो गाइस, हमने हमारा पूरा सीक्रेट रूम प्रिपेयर कर लिया है, बस हम एक ही चीज में फंसे हुए हैं। किसमें? क्या वो रूम हम कहाँ छुपाएंगे? हॉली बोल ले। पापा घर पे तो है नहीं, तो आप ये क्यों कही जा रहे हो? स्लो बोल लो। क्योंकि अभी से आदत डालोगे तभी तो iPhone 14 पा पाओगे। सो फैमिली, हम आपको दिखाते हैं हमारा रूम जो हमने बनाया है अंकल को बुला के। क्योंकि अंकल बड़े काम करते हैं, हमसे नहीं होता ना। हम जो काम करेंगे वो जबरदस्त करेंगे। आओ दिखाते हैं आपको हमारा रूम। सो फैमिली, आप देख सकते हो ये बना पूरा प्लेयो का हमारा रूम जो बड़ा ज्यादा महंगा था। आप अंदर आके देख सकते हैं कि कैसे हमने वहाँ पे होल रखे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, एंड ये हमारा गेट होगा। सो फैमिली, यही था हमारा रूम टूर। बस बाकी हमने बनाया है नहीं, अंदर आजा कुछ डाला ही नहीं हमने, सोया। अब ये बताओ करना क्या है गाइस, डिस्कशन कर ले। इतना बड़ा डब्बा बनवा लिया है हमने। मेरे पे आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। इधर आओ। आइडिया नहीं होता, आइडिया होता है आइडिया। बंदे बुलाते हैं, ठीक है, उनसे पूरा उखड़ाते हैं, पूरा तोड़ देंगे। इसके बीच में हम क्या कहते हैं, अपना डब्बा रखेंगे, फिर इसके ऊपर सीमेंट करके फ्लैट आउट, फिर साथ में वो भी लगा लेना RIP। पापा को तो पता लग जाएगा यार, वो चीज बता सकते जो पापा को ना पता लगे। पापा इज नॉट डम। मेरा संजय का ना जो आइडिया मेरे को अच्छा लगा कि हम इसको इस गार्डन को यहाँ से यार आप कटोगे नकली घास। यार चुप कर दो मिनट। नकली घास असली घास से थोड़ी ना मैच करेगी। तो मैं कह रहा हूँ ये देखो, हम ना पहले यहाँ से ऐसे लेके ये कट आउट करेंगे ऐसे पीस पूरा गार्डन का। घर वाला कैंसल, बहुत पैसे लग जाने, ऊपर से JCB कहाँ से मंगवाएंगे? सनी से। ये बेरी के पेड़ के ऊपर जाके ना मारते हैं। ओ ये तो स्केरी लग रहा है भाई। इसमें एक स्नेक रहता है, मैंने नहीं साइड रहना। कट कट कट, यहाँ पे नहीं हम करेंगे। आईफोन के लिए डंग नहीं मरवाना। मैं कह रहा हूँ टैंकी में ना डब्बा रख दे। हाँ, उनकी टैंकी में छुप जाएंगे, पापा बढ़ाएंगे। अगर टैंकी भर गई तो फिर नायगरा फॉल हो जाएगा। देख मैं दिख रहा हूँ। नहीं, बेकार आइडिया। मेरे को लगा था बुशेस के साथ बंदा थोड़ा सा ढूंढ पाएगा, बट बुशेस हम लोग नहीं बना सकते। बुश के अंदर से ऑब्वियसली हल्का हल्का दिखता है। एक और प्लान मेरे पे। हाँ, यहाँ पे ना रखते एंड इसके ऊपर चाड़ियों के साथ कवर कर देंगे। ओ, प्लान तो अच्छा है। और जब आएंगे ना इधर कीड़े मकोड़े बड़े बड़े यार, तो एक कीड़ी के साथ तो काम कर ही रहे, मकोड़ों के साथ भी कर लेंगे। वो भी है, मैं कह रहा हूँ। देखो पर अपना जो डब्बा है राइट, उस डब्बे में ना हम ट्रेन की ना व्हील लगा देंगे एंड पटरियों पे रख देंगे और हम बैठ जाएंगे। अगले दिन उठे से तो बॉम्बे पहुंचे। यार एक लॉजिकली फैक्ट देखो, बजरी इधर पड़ी है राइट, और बजरी लेके उसके ऊपर लगा देते हैं तो बजरी जरूर लेनी। फिर देख रही, तेरे मुंह पे पड़ेगा, फिर से बोलेगा। तो गाइस इस तरीके से फैमिली मेंबर भी हमें मिले, लेकिन जगह फिर भी नहीं मिली। अबैंड ओ यार, थिंग इज पापा भी एक्चुअली ना इधर ही ग्रो अप हुए, तो उनको अगर हम गली में भी कहीं छुप रहे ना, उनको कोना कोना पता गली का। इट इज नॉट इजी टू फाइंड अ इसके अंदर। यार क्या कह रहे हो यार, किसी को सामान पड़ा है। अब तो मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ अंकल से, हमारा मलई है। क्या क्या हाइट कितनी होगी इसकी? हाइट ले
देखो जरा ऐसे रख, ऐसे रख, ऐसे रख, जल्दी आ। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए सारा सामान। मार कर दिया, टेंशन ही ला रही। शायद हमें जगह मिल गई है। आशा मिल गई हमें भाई। आशा मिल गई हमें आशा। कम, ओ फुली रब्बा। खोलो दरवाजा। खोलो। ओ दिस इज़ लुकिंग गुड। दिस इज़ लुकिंग गुड। तो देखो, संजय को, संजय को, गो, 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 गो। वो ही पाउडर प्लेन। सिर्फ वो छुपाना है बस। वो पापा ढूंढेंगे तो आपका जो आज जो बाहर रेता पड़ा ना उसके बीच में सिर्फ उसको छुपाना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके बाय। गाइस जगह, जी 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 गाइस जगह उन्होंने बोला, लेकिन जितना गंद मचाओगे उसको समेट लेना। जगह मिल गया हाइड करने की। अब हमारा समय शुरू होता है हमारी तैयारी का। अब सो फैमिली, थोड़ा सा काम मुश्किल है तो मैंने थोड़ी सी हेल्प के लिए बुलाया है लोगों को, और ये मेरी हेल्प करेंगे, हम तीनों की हेल्प करेंगे सामान रखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी है। सो हम नहीं चाहते कि हमें कोई चोट लग जाए। सो लेट्स गो। जगह बनानी शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई कब्जा कर रहे होते हैं। लंबाई ऐसा रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा। गाइस ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए कर रही है और किसी चीज़ के लिए नहीं कर रही। बड़ी चला गई। और संजय घर पे फज का ध्यान रख रहा है क्योंकि मम्मी पापा के साथ हैं और पापा को वहाँ पर रोक कर रखा है बाहर कि वो ना आ जाएं। हमारा ये काम कुछ तकरीबन एक डेढ़ घंटे का लगेगा। आप इंजॉय करें टाइम लैप्स, हम तब तक थोड़ा काम कर लेते हैं। प्लीज़ बेटा काम करने ना सौखे नहीं होते, ये कोई सौखा काम नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा। So guys, finally, हम अपना रूम लेने जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। रख के पता लगेगा कितना और खुदाई की जरूरत है, वो उसी टाइम पे उधर उधर करते रहेंगे। आई फील लाइक फिट हो जाएगा और बहुत फन होने वाला है, मैं कूल बड़ा लगने वाला। So guys, हम लोग लेके जा रहे हैं हमारा कमरा। I'm so excited. I'm so excited कि कैसा लगने वाला है। और ये guys घुस गया है अंदर। ऐसे लग रहे जैसे कुछ खजाना छुपाते हैं जब इधर W लगा देते हैं। अनबिलीवेबल। रखो केड़ा पेंडुआ नो महाराज। वेट व्हाट, नो वे, शिट, यू आर लुकिंग सो गुड, कांग्रेचुलेशन, सम जीत गए ब्रो। पता ही नहीं लग रहा है। So guys, बाहर का रूम बन गया है। अब मुद्दा है कि सुबह उठ के जल्दी हमें अंदर की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, फैमिली आपको दिन में दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। हटिए जरा। पापा को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं लगने। अब गाइस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, हमें 15 मिनट में अपना रूम रेडी करना है। बारिश कभी भी पड़ सकती है, हमें रूम अपना रेडी कर पापा को ढूंढने में लगवाना है। ओ यार ढूंढो तो, बारिश पड़ गई तो हम क्या इधर दब जाएंगे? अरे नहीं दबेंगे भाई। अच्छा? नहीं, तू ही बैठेगा अंदर। ओ यस, ओ हां संजय तू नहीं बैठना, कोई बात ही सो जाएगा ये अंदर। चल लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। मैं विश मी लक ब्रो। ऑल द बेस्ट। जो भी है निकल यार, अरे निकल यार। बिजली का जुगाड़ हो रहा है, हमने जगह निकाली है एक्सटेंशन की। अब इस एक्सटेंशन के साथ एक और एक्सटेंशन जोड़ेंगे, उसके साथ एक और एक्सटेंशन जोड़ेंगे, फिर हम संजय को अंदर लाइट देंगे। ओह यस, एक्सटेंशन बोर्ड। फैमिली ये लाइट पूरी लग गई है यहाँ पे। ओह यस, ओ वेंटिलेशन तो मजा आ गया यार। आई एम सो हैप्पी। हवा लग रही है, वेंटिलेशन वेंटिलेशन होगी पूरी अंदर रूम में। फाइनली कवर हो गया है, ये देखें। सही लग रहा है। सबसे हैप्पी कैसे लग रहा है क्योंकि वो लोग काम भी कर रहे, तो ऐसा लग रहा है इधर से बस उठा के लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। आर यू रेडी दीक्षा? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ आई नो पापा नहीं ढूंढ पाएंगे। कम ऑन, लेट्स विन आईफोन 14 नियर आवर होम। यस, लेट्स गो। सो फैमिली, वेलकम टू माय प्राइवेट रूम। आप देख सकते हो यहां पे पूरी लाइटें लग चुकी है, पूरा यहां पे सेट लग चुका है। देखो, this is looking so good and we are winning this challenge because there is no way ki papa hame dhoond payenge. Mere paas mera aa gaya hai laptop, main isko on karke dekhunga Netflix and all, and that's it, we win the game. Free iPhone man, let's go. Aajo say hello to family.
हेलो फैमिली, हेलो हेलो हेलो। आप बाहर गए थे, हमने आपको कहा था बाहर रहना, क्यों कहा था आपको पता है? कोई ना, वो फंडा होगा यार। ऑब्वियसली पापा, हम आपको कहीं बाहर भेजे उसके पीछे कोई फंडा ना हो। अब संजय आपको नहीं दिख रहा है, आपको संजय कब कौन से व्लॉग में नहीं दिखा था जब आपने उसको ढूंढा था? दिमाग लगाए। नहीं, मुझे ये बताओ कहीं वो बुर्ज खलीफा तो नहीं चला गया? और पापा नहीं यार, इतना थोड़ी ना रहेगा। हर 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 व्लॉग में इतना बजट नहीं होता ना हमारा। ये सीक्रेट रूम। सीक्रेट रूम जी हाँ, तो हम लेकर आए उसका पार्ट टू। यानी कि गाइस, अगर पापा ढूंढ पाते हैं। मैं जीत गया, मैं भाई साहब जीत चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर का कोना कोना। और घर में छुपाया ही नहीं है। अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप मिला के देंगे iPhone 14 Pro Max, जो इट्स बिगर देन बिगर। दिस इज द बिगेस्ट बाउंस ऑफ द समर। 1 TB। 1 TB आ गया। पापा के लाख रुपए आ गया। अ सीक्रेट रूम इन माय सोसाइटी, मोहल्ला, कॉलोनी। व्हाटएवर यू वांट टू से। यस यार, मोहल्ला भी बहुत बड़ा है यार। कहां का iPhone 14 पता कितने का है गाइस? 1,80,000। ओ यार, 1,80,000 पापा, इन द एंड 2 ही लग जाएगा। फैमिली, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं अपना पैसा नहीं डूबने दूंगा, मैं कसम खाने की कोशिश करता हूँ। ना खाने मत, क्योंकि हमने बहुत दिमाग लगाया, कोशिश की है। अच्छा, लेट्स गो। तो हो जाए शुरू। Yeah, come on man, धीरे धीरे जाना यार। यार मुझे ये समझाओ कि किसी के घर में बनाया है कि बाहर बनाया है? नहीं नहीं, घर में नहीं बनाया है, हमने बाहर ही बनाया। अब आपको ढूंढना है बस वो। गार्डन में? गार्डन में नहीं पापा, गार्डन में कौन बनाता है? रुको, ढूंढ लिया, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे बहन जी, यहाँ कोई नया घर बना है क्या? छोटा सा, प्यारा सा, निक्का सा, इसमें? ओ यार, ये तो रिस्की फैक्टर है। बेचारे पापा ढूंढ रहे हैं। उनको पता नहीं पीछे रह गया। ऊपर से पापा वो आंटी को पूछ रहे थे कि घर बना है, और आंटी भी कह रही है हाँ, वो लोग बना रहे हैं अभी छोटा सा घर। वो कहीं पापा सुसु करने तो नहीं जा रहे? हाँ जी भैया, मिला के नहीं। अरे कोना नहीं मिलेगा, चलिए हमारे साथ मा। उधर बिहार में देखते हैं। अरे पंजाब ढूंढ लीजिए, महाराष्ट्र ढूंढ लीजिए, एंड फैमिली अगर आप बाहर से देखोगे ना, कोई कह ही नहीं सकता कि ये रेत के बीच में कोई बंदा छुपा हुआ है। बताओ। अरे भैया, मिला के नहीं। अरे इतनी कहाँ जल्दी है, 1,80,000 का सवाल है भाई। पापा इतनी ऊंची ऊंची बोल रहे हैं। तो वो संजय दत्त उसमें खड़ा रहेगा कि बैठे रहेगा? We never know. बैठ भी सकता, लेट भी सकता है। फिर तो छोटा मकान होगा भाई। सबसे एपिक जगह ढूंढी जब हम लोग ये सब रेकी करने गए थे, कि हमने पहले सोचा बुशेस में ना बना ले। Exactly. अगर बना लेते ना तो पापा सबसे पहले पकड़ लेते। So family, मैंने अपना Zomato ऑर्डर कर दिया है, अब यहाँ पे 15 मिनट में पहुंच ही रहा है, फिर हमारा आराम से यू नो हमारा डिनर करेंगे इकट्ठे बैठ के यार। हाँ जी भैया, मिला के नहीं। यार थोड़ा परेशानी हो रही है, अभी हम तीसरी गली में आ गए हैं, चार ही तो गलियां हैं। मुझे ये बताओ, गली में है क्या किसी गाड़ी में तो नहीं बना दिया? अरे बाहर, जी हाँ बिल्कुल, मेन सड़क, गली के मेन सड़क पे है। पहले ये बताओ यार, झाड़ी में तो नहीं है? अरे झाड़ी में वैसे एक एक चीज पूछेंगे तो कैसे, 1,80,000 का सवाल है भैया। तो हमारे लिए भी तो इतना ही बड़ा सवाल है भाई, 1,80,000। यार राइट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट इधर हो गए यार, किधर जा रहे बैग? ओ यार हद हो गई है, बैग करो, बैग बैग। जितना ये ढूंढवाने में मेरे को थका रहे हैं, इतने में मैं खुद ही बता दूंगा कहाँ है। निकल गया भाई, यहाँ से निकला है वो, आगे चल आगे चल। मैं आपको बता दूं, वो कहीं नहीं निकल सकता, एक ही जगह पे बैठा हुआ है। 6 फुट का बंदा जब बैठेगा तो कम से कम 3-3.5 फुट लेगा जगह, उसके ऊपर 0.5 फुट और चाहिए, और इसका मतलब 4 फुट ऊंची जगह होगी वो, 4x6 फुट की जगह कम से कम। चलो भाई, चलो 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 चलो, इधर चल, इधर इधर। नहीं यार, नहीं यार, इधर मैं जिधर तुम कहोगे उधर नहीं जाऊंगा। 80,000 का सवाल है बाबा। अब कम ऑन, ये मत बोलना कि रेते में छुपे हैं। अरे रेता ही तो ऊंचा लग रहा है भाई, रुको, आ जाओ नीचे, आ जाओ, रेता। आ जाओ, यार, आ जाओ, यार, आ जाओ। कर लो, चेक कर लो। कर रहे हैं, इतनी का जल्दी है भैया? खोद के भी देख लो पापा, खोद के भी देख लो। क्या हुआ, मिला के नहीं? नहीं, यहाँ नहीं है भाई, यहाँ नहीं है।
जब मैं कह रहा हूँ रेते में पापा कैसे छुपाएंगे हम लोग यार, कुछ भी बोल रहा है। रेता में नहीं है तो ईंटों में तो होगा। ईंटें चेक कर लो। दीक्षा आधे आधे पैसे तेरे आधे मेरे। नहीं पापा नहीं, इसमें मुझे भी अभी आईफोन 14 चाहिए, मेरे पास 12 है। बकवास मत कर, तेरे को अगले साल ले दूंगा i15 17 ले लेना, i20 ले लेना। पापा नहीं, इधर कंपटीशन की बात है, इस बार ही आपको ढूंढना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। क्या हो गया? हो गया यार। चले गाड़ी रेडी करें, चलो हद हो गई है। तब से बैठे हैं, कभी गाड़ी आ रहा है रेते में, बताओ बंदा अंदर गर्मी में मर जाए। चलो आओ चल। एक सेकंड बैठे और ये रेता हल्की हल्की क्यों है? क्योंकि हम उस पर बैठे हैं। नहीं मैं उधर रेता पे चढ़ जाओ, इस पे भी चढ़ जाओ, देख लो सुकून ले लो आप भी जाओ। पापा आप कैसे सोचते हो, रेते के अंदर कैसे बना लेंगे यार, क्या लॉजिक है बताओ। कुछ भी गर्मी में आओ चलो। आई थिंक आपको गार्डन देखना चाहिए। चलो आओ पकड़ो पापा को, आओ इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, चलो चलो। आई थिंक दीक्षा जहाँ मर्जी ले जाओ, काम खत्म हो चुका है, हम जीत चुके हैं। कैसे? आज राजेश शर्मा 1,80,000 रुपया बचा चुका है। फैमिली थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही ये व्लॉग खत्म होता है क्योंकि हम जीत गए। क्या? चलिए अब घरों घर चलो। क्यों बताओ तो सही, कहाँ है? ओ पाजी गाली ये है, बताओ तो सही कि जब कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप हो जा नहीं तो राजेश शर्मा आ जाएगा, और जब कोई बच्चा छुपता है ना तो उसकी तार बाहर रह जाती है। ओके ये जो वायर है ये मुझे लग रहा है अंदर डीजे चल रहा है, अंदर कोई शादी हो रही है, पार्टी चल रही है। चलो 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 संजय दत्त आजा बेटा बाहर आ जा। इतना कच्चा काम इतना कच्चा काम। संजय दत्त जी मेरे प्यार नहीं नॉट फेयर यार, डैडी यार व्हाट द हेल मैन, इतनी मेहनत की थी यार पापा ऐसे थोड़ी ना होते यार, वेस्ट ऑफ टाइम, इतनी मेहनत। ओ कटो यार बाहर मिलूं, चल हम लोग चलते हैं। फंस गए ओ कटो को यार बाहर। अब यहां से आईफोन तो मिलेगा नहीं गाइस, आप लाइक ही कर दो इस वीडियो को इनको तो ना है तो ठीक है आईफोन। मैंने अंदर इतनी मेहनत की, मैं अंदर पापा ऑक्सीजन नहीं थी मेरे पे, आप ऑक्सीजन नहीं थी, मैं अंदर सांस नहीं ले पा रहा था। हमने किया सब। चल लो तूने कुछ नहीं किया, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इनके बहुत सारे लाइक्स पड़ते हैं, आप इनको लाइक दो, मेरे पैसे बच गए मुझे भी लाइक दो। फैमिली सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिंदगी खराब होगी और मांगो पार्ट 2, पहले मैं अच्छी इज्जत बनी हुई थी। बाय।